टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई के कांदेवली में एक ढोंगी बाबा पर एक महिला के साथ रेप करने का मामला सामने आया है। अक्सर कुछ महिलाएं ढोंगी बाबाओं के बहकावे में आ जाती हैं और इस तरह से ही कांदेवली पश्चिम में एक 37 वर्षीय महिला अपने पारिवारिक समस्याओं को लेकर बाबा के पास गई थी। इस बाबा का नाम है प्रणव शुक्ला उर्फ प्रणव नंद महाराज। 37 वर्षीय ये महिला पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि आरोप लगाया है इसने बाबा पर कि इस पाखंडी बाबा ने इस महिला के साथ समस्या तो दूर नहीं की मगर उसके साथ घिनौनी हरकत कर दी। अनुशान करने के लिए ढोंगी बाबा ने महिला से कुछ पैसे भी लिए। आरोप ये भी है कि बाबा ने कांदेवली स्थित अपने कार्यालय पर इस महिला से रेप किया और थाने वसई में भी अलग अलग जगहों पर कई बार इस महिला के साथ यौन शोषण किया। महिला की शिकायत पर ढोंगी बाबा के खिलाफ धारा 376 और अन्य प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी। 7 तारीख हमारे पास एक लेडी कंप्लेंट आ गई और उन्होंने बताया कि पूजा पाठ के नाम से 2011 से उनका परिचय हो गया एक महाराज से और वो महाराज ने उनके घर में जो समस्या थी वो हल करने के लिए उनको शिष्य बनाने के लिए या उनको गुरु बनाने के लिए बोला और उसके साथ पूजा पाठ करके दोस्ती बढ़ा के उसका लैंगिक शोषण किया करके कंप्लेंट आ गया था। वो कंप्लेंट रजिस्टर करके 8 तारीख को एक साधु महाराज को अरेस्ट करके इंक्वायरी चालू है। इसके पहले भी सर कोई केस है? अभी तक कुछ ये मिला नहीं इंफॉर्मेशन, लेकिन फाइंड आउट कर रहे हैं या ये बाबा ने और किसी महिला के साथ कुछ किया है क्या, वो भी फाइंड आउट कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि बाबा का कहीं आश्रम है? बाबा का आश्रम नहीं है बाबा, लेकिन भाड़े से ऑफिस लेता था और वही ऑफिस में वो पूजा पाठ करता था। 2010-11 के आसपास वो ये महाराज के पास गई कि इनके घर में समस्या, पति से जमता नहीं वगैरह, तो वो समस्या हल करने के लिए तो उन्होंने बोला कि उसमें कुछ जीन जीना चाहता है, दैवी शक्ति है उसमें और वो पूजा पाठ करेगा और तुम्हारी कुल देवता है, कुल देवता की पूजा पाठ करेंगे और वो महाराज को शिष्य बनाएंगे तो उसके घर का समस्या दूर हो जाएगा, ऐसा उसको बोल के पूजा पाठ करके उसको पहचान करवा लिया और उसको आके ले बुला के उसका शोषण कर दिया।